हे गाइस, वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं हो तब भी आप बहुत ही आसानी से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं फन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आई टेक्स ऑफ टेक्स। सो विदाउट एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्ट। सो गाइस फाइनली देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने पीसी पर जाना है और यहाँ पर गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है क्यूआर कोड मंकी। ये एक साइट है जिसके आप यहाँ पर जो है ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट साइट है और इसको आप ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या होता है। देखिए अर्निंग करने के लिए पहले आपको क्या करना है, आपको एक क्यूआर कोड डिजाइन करना है। क्यूआर कोड डिजाइन करने के लिए आपको काफी सारी कैटेगरी यहां पर मिल जाती हैं, जैसे कि यूआरएल, टेक्स्ट, ईमेल, फोन, एसएमएस, वी कार्ड, मी कार्ड, लोकेशन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वाईफाई, इवेंट या फिर बिटकॉइन। अब इन कैटेगरी में आप अपने जो है क्यूआर कोड, एक यूआरएल लिख लेता हूं, अपने चैनल का यूआरएल लिख लेता हूं मैं itexoftech.com, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली ये काम खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं गाइस, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं https ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इसके इससे फिर आपको जो है दिक्कत आ सकती है, आपका क्यूआर कोड हो सकता है कुछ नहीं बन पाए। तो आप इसको पूरा जो क्यूआर पूरा जो यूआरएल होता है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है, जैसे कि सेट कलर, एड लोगो, इमेज, कस्टमाइज डिजाइन। तो सबसे पहले आपको सेट कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ कलर्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि सिंगल कलर करना है, कलर ग्रेडिएंट करना है या कस्टम आई कलर करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, कलर ग्रेडिएंट करना है और कस्टम आई कलर पर भी जो हमें कलर करना है, पर सिंपली ये काम खत्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं गाइस, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं https ये लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि इसके इससे फिर आपको जो है दिक्कत आ सकती है, आपका क्यूआर कोड हो सकता है कुछ नहीं बन पाए। तो आप इसको पूरा जो क्यूआर पूरा जो यूआरएल होता है उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है, जैसे कि सेट कलर, एड लोगो, इमेज, कस्टमाइज डिजाइन। तो सबसे पहले आपको सेट कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ कलर्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कि सिंगल कलर करना है, कलर ग्रेडिएंट करना है या कस्टम आई कलर करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, कलर ग्रेडिएंट करना है और कस्टम आई कलर पर भी जो हमें कलर करना है। तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कलर। अब गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा क्यूआर कोड सैंपल के दिया है, यहाँ पर प्रीव्यू आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्रिएट क्यूआर कोड पर क्लिक करना होगा। देखिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही मान लीजिए मैंने एक कलर यहाँ से पिक कर लिया है, उसके बाद सेकंड कलर है हमारा, सेकंड कलर कोई भी यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई कलर, आई कलर गाइस ये होता है जो आप देख रहे हैं स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं, ये आई कलर होता है। इसका भी हम जो है कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, वो अपने हिसाब से आप देखेंगे किस तरह से आपकी स्किल्स है, क्या आपकी नॉलेज है, कितना आप इसमें टाइम लगाते हैं, वो डिपेंड करता है इस चीज़ पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कलर कर दिया है गाइस, बैकग्राउंड में भी आप चाहें तो कलर कर सकते हैं, अदरवाइज बैकग्राउंड की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बैकग्राउंड पर अगर आप कलर कर देते हैं तो काफ़ी एक लुक एंड फील नहीं मिलता है एक लोगों इस क्यूआर कोड पर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको देखना है तो क्यूआर कोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको जो सैंपल है यानी कि प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये कुछ खास अच्छा नहीं बना है, तो मैं तो खाली आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप चाहे तो इसमें अच्छे तरीके से जो है टाइम लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको फिर से कुछ कलर कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आप देखेंगे एड लोगो, अगर आप चाहें तो इसमें सेंटर में लोगो भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास में लोगो है या फिर कोई भी क्लाइंट आपको लोगो देता है तो अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर इंस्टाग्राम का मैं लोगो लगा देता हूँ सेंटर में, क्रिएट क्यूआर कोड पर जैसे कि आप क्लिक करते हैं तो फिर से जो है इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, तो स्पीड थोड़ी दिक्कत है, ठीक है गाइस ये आ गया। उसके बाद में आप देखें कस्टमाइज डिज़ाइन, अब देखिए देखने वाली बात ये है गाइस, यहाँ पर आपको मिलते हैं बॉडी शेप, आई फ्रेम शेप और आई वॉल शेप। अब ये होते क्या है गाइस, आप बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया या फिर ये सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आई फ्रेम है, आई फ्रेम हमारा ये होता है स्क्वायर जो है ना, ये हमारा आई फ्रेम होता है। तो मैं यहाँ पर आई फ्रेम को ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आई बॉल जो होता है हमारा सेंटर में होता है, तो आई बॉल के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। अब उसके बाद क्रिएट क्यूआर कोड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा जो ये डिज़ाइन है कस्टमाइज हो जाएगा। देखिए आप इसमें जितना टाइम लगाएंगे, जितनी अच्छी तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे, जितने अच्छे कलर करेंगे, उतना ही आपका जो अट्रैक्टिव जो क्यूआर कोड बनता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है, अब सिंपली इसमें करना क्या है, यहाँ पर आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं,
काफी सारे फॉर्मेट हैं, जैसे कि PNG है, SVG, PDF, EPS। मैं जो इसे डाउनलोड करने वाला हूँ PNG में करने वाला हूँ, या फिर आप PDF या SVG में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये क्वालिटी, आप इसको मैक्सिमम क्वालिटी रखनी है आपको यहाँ पर, जिससे कि आपका जो QR कोड है तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड PNG पर। मैंने डाउनलोड PNG पर जैसे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक QR कोड जो है ओपन हो गया, तो डाउनलोड हो गया। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा QR कोड बनकर जो है तैयार हो गया क्लाइंट को देने के लिए। अब आपको करना क्या है, चलिए आगे के स्टेप देख लेते हैं। ये स्टेप हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है। ठीक है, हमने QR कोड तैयार कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ फ्रीलांस साइट है जिस पर आपको जाना है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दो साइट के बारे में बताने वाले। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो फ्रीलांसिंग साइट है और ये काफी पॉपुलर है, फाइबर है, तो यहाँ पर भी आप अपना जो है अकाउंट बना सकते हैं और गीक लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी सारे QR कोड्स जो है, जो यूज़र्स हैं इन्होंने जो है यहाँ पर अपने गिग बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 393 का यहाँ पर 393 का ये जो QR कोड है वो जो है यहाँ पर सेल कर रहे हैं, कस्टमाइज करके सेल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप भी यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, तो देख सकते हैं आप। तो दूसरी साइट के बारे में बात करेंगे गाइस, दूसरी साइट भी यहाँ पर हम काफ़ी अच्छी है, जो कि आप देख सकते हैं ये है PeoplePerHour। तो यहाँ पर भी आप अपना जो है अकाउंट साइन अप करके और अपना गीक बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो $10, $10, $35 आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अर्निंग यहाँ से जो है ये कर रहे हैं। इंडिया से काफ़ी सारे यूज़र्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी पाकिस्तान से, जर्मनी से काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, तो आप भी यहाँ पर जो है अर्निंग कर सकते हैं, तो काफ़ी ईजी है। तो बिना नॉलेज के आप इतना सारा यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं और गीक बनाएं। सो गाइस चलिए, अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आई टेक्स ऑफ टेक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।